सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप RGB कीवर्ड को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे कि कीवर्ड के अंदर लाइट जो है वो अलग अलग इफेक्ट में आपको बताऊँगा किस तरीके से यूज कर सकते हो। पूरी सेटिंग को मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना पूरा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अदरवाइज अगर आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप करते हो सकता है ये ट्रिक आपके फ़ोन में वर्क ना करे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है तो मैं सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये हो चुका है डिलीट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको पूरा इंस्टॉल करके दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं अभी मेरा नॉर्मल कीबोर्ड हो चुका है। तो अभी मैं RGB को इंस्टॉल करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो RGB को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैंने बोला एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे आप वीडियो छोड़ देते हैं, कुछ काम का नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको कुछ सेटिंग भी करना है। उस सेटिंग को अगर आप नहीं करोगे तो RGB की आपके कीबोर्ड में इंस्टॉल नहीं होगा। तो सारी उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर आपको लिखना है लेड कीबोर्ड। जैसे ही आप लिख देते हो तो ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। इसी एप्लीकेशन के 5 मिलियन प्लस डाउनलोडर्स हैं। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन के अंदर, देख सकते हैं 18 MB के अप्रॉक्स इसकी साइज होने वाली है। तो ये अभी जैसे इंस्टॉल होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कम्प्लीटली किस तरीके से इसे इंस्टॉल करना है। और बाकी मैंने आपके सामने मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और मैंने अपने फ़ोन से अभी डिलीट भी कर दिया था ताकि आप लोग को भरोसा हो जाए कि किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ फिनिश पे आपको क्लिक कर देना है जैसे इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको देखने को मिल रहा है। तो इस एप्लीकेशन को आप जैसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको इनेबल पर क्लिक कर देना है। इनेबल पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लेड कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो इसे आप इनेबल कर दीजिए और उसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे इतना कर देते हैं तो इसके बावजूद भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पे आपका जो भी कीबोर्ड है वो ऑन नहीं होगा। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ अभी इसको ऑन किस तरीके से करना है। देख सकते हैं अभी ये मेरा नॉर्मल कीबोर्ड है, ठीक है। तो मैं अभी इसे RGB में बदल के दिखाता हूँ। इसके लिए आपको सेकंड वाले लेड कीबोर्ड पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ सेलेक्ट पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने यहाँ G-बोर्ड का ऑप्शन पे टिक रहेगा, इसको आपको ये लेड कीबोर्ड पर टिक लगा देना है। जैसे ही हो जाएगा यहाँ पर आपको अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर जो इफेक्ट यूज़ करने वाला हूँ वो इफ़ेक्ट है ये वाला, जो कि पहला सेलेक्ट है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ कुछ अपना इफ़ेक्ट। तो इसमें अलग अलग इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो इफ़ेक्ट लगा हुआ है मैं आपको इस इफ़ेक्ट को दिखा देता हूँ। और ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चले या फिर ना चले वो चीज़ें मैटर नहीं करता, तो मैं बैकग्राउंड से भी इसे हटा देता हूँ। तो आपका जो RGB है वो इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अभी हमारा कीबोर्ड इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसके इफ़ेक्ट को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसको जानने के बाद यार वीडियो को फटाफट से लाइक करो आप लोग, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को आपको लाइव करके दिखाया हूँ। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके इफ़ेक्ट को किस तरीके से चेंज करना है। तो RGB कीबोर्ड के ऊपर किसी ने पूरे YouTube पे वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने सबसे पहले वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद लोग वीडियो बनाना शुरू कर दें, बट अभी तक पूरे YouTube पे किसी ने नहीं बताया था। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मैं हिडन फीचर के बारे में आपको बताता रहता हूँ। तो चलिए मैं अभी बताता हूँ किस तरीके से इसके इफेक्ट को चेंज करना है। तो यहाँ पे फिर से मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सेकंड वाले पे आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको वो वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसे हटाता हूँ, और अभी मैं अपना गूगल ऑन करता हूँ या फिर कुछ भी जहाँ पे आपको सर्च करना है उसे आप ऑन कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे कुछ अलग सा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इसके इफ़ेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे इफ़ेक्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग इफ़ेक्ट हैं, आप इसमें से कोई सा भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं कुछ ऐसा इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपके ऊपर है, आपको जो पसंद आए वही इफ़ेक्ट आप लगाइए।
बहुत सारी इफेक्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पर्सनली मुझे जो पसंद था उसे मैंने पहले ही लगा रखा था, ये पहला जो है वही वाला मेरा फेवरेट है, तो मैंने इसे लगा लिया था। तो बाकी आपको जो पसंद है आप उसे लगा लीजिएगा, और मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरा पहला जो पहले लगा था वो वाला इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। तो बस थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइस एंजॉय। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।